हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइप का हैट एंड आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, तो इस वीडियो में भी मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे और वीडियो को एंड तक देखोगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले फ्लिपकार्ट की इलेक्ट्रॉनिक सेल के बारे में 2022। ये जो सेल है फरवरी 23 को स्टार्ट हुई थी और फरवरी 28 तक चलेगी, यानी पूरी फरवरी अब चलेगी। और ये इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में हमें क्या क्या सस्ता मिलने वाला है, लाइक अगर आप कोई नया टीवी लेना चाहते हो या कोई नई फ्रिज या फिर वॉशिंग मशीन, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना चाहते हो तो आपको काफी कम प्राइस पे मिलने वाला है और आपको काफी सारे बैंक पे ऑफर्स मिलने वाले हैं। लाइक अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट या फिर डेबिट में से कोई सा भी कार्ड है तो आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। UPI से अगर ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और वीजा स्लाइस वीजा का कार्ड है तो उससे 10% का मिलेगा डिस्काउंट। और भी काफी सारे बैंक है, लाइक येस बैंक, IDFC और एक्सेस का क्रेडिट कार्ड, इन सब पे 10% का आपको डिस्काउंट अलग अलग चीजों पर मिलेगा। तो जैसे कि मैं फोन का रिव्यू करना हूँ तो मैं आज की वीडियो में आपको 5-6 फोनों के बारे में बताऊंगा जिसपे आपको भारी भरकम या फिर बहुत ज्यादा डिस्काउंट कहते हैं मिलने वाला है। लाइक ये ग्रेट इंडियन सेल या बिग बिलियन डे सेल से कम डिस्काउंट नहीं है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप कोई भी फोन इनमें से अगर बाय करना चाहते हो तो गाइस ये बढ़िया टाइम है बाय करने का, तो मिस मत करना इस वाले चांस को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, रुको जरा सबर करो। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। Realme GT Neo 2, ये फोन पिछले साल काफी अच्छा फोन था क्योंकि परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा सब कुछ एकदम बढ़िया मिला था हमें, जो एक एंड्रॉइड फोन के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं। लाइक अगर मैं थोड़ी इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं तो हमें फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 870 5G प्रोसेसर मिला था, 120Hz की AMOLED डिस्प्ले मिली थी, 600Hz का टच सैंपलिंग रेट था, 65W की फास्ट चार्जिंग मिली थी और कैमरा ट्रिपल कैमरा सेटअप मिला था जिसमें मेन कैमरा 64MP का था। और भी काफी सारे फीचर्स थे, लाइक डॉल्बी डुअल स्टीरियो स्पीकर और रैम भी काफी अच्छी थी और Realme UI और एंड्रॉइड 11 पे आया था। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो फोन काफी अच्छा था। तो अब इसका प्राइस पॉइंट क्या है, अगर आप इसको नॉर्मली बाय करोगे फ्लिपकार्ट से तो ये आपको 26,000 का मिलेगा, लेकिन अगर आप इसके ऊपर HDFC का कोई सा भी कार्ड, चाहे वो क्रेडिट हो जाए चाहे वो डेबिट हो, तो उसपे आपको 3,000 रुपए का ऑफ मिल जाएगा और इसका प्राइस फोन का 23,000 रुपीज हो जाएगा, यानी 22,999 रुपीज हो जाएगा। तो 23,000 के अंदर रियलमी के दो और फोन आ रहे हैं, लाइक Realme GT मास्टर एडिशन और रियलमी का अभी भी लॉन्च हुआ हुआ रियलमी की 9 सीरीज। तो उन दोनों से ही GT न्यू 2 ज्यादा अच्छा है वैल्यू फॉर मनी में और स्पेसिफिकेशन में, तो आप यही वाला बाय करना। अब जो अगला फोन है वो 15,000 रुपए के अंदर हमें इस सेल के अंदर देखने को मिलेगा। वैसे इस फोन का इनिशियल प्राइस जो है वो है 15,990, यानी 16,000 रुपए मान लो, लेकिन सेल के बाद ये फोन 14,990 यानी 1,000 रुपए के ऑफ के साथ हमें देखने को मिलेगा। तो इस फोन का नाम जो है Vivo T1 5G है, ये हाल ही में रिलीज हुआ था और मैंने इसे रिव्यू वीडियो भी बनाई थी, अगर आपको स्पेसिफिकेशन इस फोन के बारे में जाननी है तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर इन शॉर्ट बताऊं तो हमें इसके अंदर स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 5,000 mAh की बैटरी, कैमरे के एल्गोरिथम और कैमरे इस फोन के अंदर अच्छे हैं, प्लस डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी भी वीवो की अच्छी है। तो अब जिस फोन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो फोन वीवो के T1 5G से भी सस्ता है और काफी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो बेकार है, क्योंकि सस्ता वो सेल में हुआ है लेकिन काफी अच्छा फोन है और अभी ही रिलीज हुआ है हाल ही में। तो Poco M4 5G की मैं बात करने वाला हूँ, ये फोन हमें Dimensity 810 प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा, 7 5G के ब्रांड है फोन के अंदर और जो रिफ्रेश रेट है वो 90Hz है और 5,000 mAh की बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग और जो इस फोन का प्राइस पॉइंट है वो भी काफी अच्छा सेल में रखा गया है। इस फोन का जो हमें प्राइस है मतलब सेल में सब कुछ ऑफर ऑफर लगा के वो है 13,999 रुपए। 13,999 में Poco M4 Pro जो अभी रिलीज हुआ है, काफी अच्छी डील है ये। चौथा फोन हमें रियलमी की तरफ से Realme 8 4G देखने को मिलने वाला है। ये फोन पोको, वीवो और सभी फोनों से सस्ता है। ये फोन सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, 6.4 इंच की सुपर AMOLED डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी। इस फोन की परफॉर्मेंस के मामले
में हीलियो G95 है। 5000 mAh की बैटरी है विथ 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। और जो इस फोन की कैमरा है ना, वो आपको इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट कैमरा इस फोन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल फोन काफी अच्छा है और इसका जो इनिशियल प्राइस है वो 16,000 रुपए है, लेकिन आफ्टर सेल हमें ये फोन प्रीपेड पे 3,000 रुपीज का ऑफ है। और अगर आप पे कार्ड है तो आप 1,000 का और ऑफ ले सकते हो, यानी 4,000 रुपए इस फोन पे सीधा सीधा 16,000 रुपए ऑफ हो जाएंगे। और इस फोन का प्राइस हो जाएगा 11,999 रुपए, यानी 12,000 रुपए के अंदर ये फोन एकदम बेस्ट फोन है, बिल्कुल ही मिस मत करना। 16,000 का फोन 12,000 में। तो अब लास्ट के जो अगले दो फोन है वो मैंने आईफोन की तरफ से रखे हैं, लाइक आईफोन 12 और आईफोन 12। सबसे पहले मिनी की बात कर ले तो वो हमें 41,299 रुपीज का देखने को मिलेगा, प्लस उसके साथ आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की प्रीमियम मेंबरशिप भी देखने को मिलेगी। और लास्ट में अगर आईफोन 12 की जो प्राइस पॉइंट है वो भी काफी अच्छी है इस सेल के अंदर, लाइक बिग बिलियन डे जैसी ही समझो, क्योंकि ये फोन सिर्फ आपको 53,990 रुपीज में देखने को मिलेगा, यानी 54,000 रुपीज का देखने को मिलेगा। और अगर आप UPI से ट्रांजेक्शन करते हो तो 10% का ऑफ मिलेगा, यानी 53,000 का ये फोन हो जाएगा। नॉर्मली इस फोन का प्राइस 65,000 के आसपास रहता है, लेकिन अगर आपका बजट 50 के आसपास है तो आप इस फोन को बिल्कुल भी मिस मत करना, आईफोन 12 को। तो इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।